गरीब आदमी को ना उंगली नहीं करने का साहब, ये डायलॉग है अय्यारी के लास्ट लाइन। आप देखोगे ट्रेलर में तो ये डायलॉग है। नशुद्दीन शाह बोलते हैं गरीब आदमी को उंगली नहीं करने का साहब। इस डायलॉग से ही आप समझ जाए कि ट्रेलर में कितना दम है, फिल्म में कितना दम होगा। अब बात करता हूं प्रॉपर इस ट्रेलर के बारे में, 2 मिनट 50 सेकंड के आसपास का ट्रेलर है। इस ट्रेलर में आपको जय विजय दो करेक्टर नजर आएंगे, जय यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, विजय यानी कि मनोज वाजपेयी। अब मनोज वाजपेयी एक सीनियर ऑफिसर रहता है, उसके अंडर रहता है ऑफिसर। कौन रहता है मैं बताता हूँ, उसके अंदर रहता है सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की ट्रेनिंग उन्हीं के अंडर कहीं ना कहीं होती है। बहुत इंस्पायर रहता है, उन्हें हमेशा विजय की तरह बनना रहता है, यानी कि सिद्धार्थ को हमेशा मनोज वाजपेयी की तरह बनना रहता है। तो कुछ ना कुछ वो जांच पड़ताल करने लगता है, कौन सिद्धार्थ मल्होत्रा की, कहीं ना कहीं आर्मी में कुछ ना कुछ घपला चालू है। जो जो आम से मनुष्य शायद खरीद रहे हम गोला बारूद या जो भी, उसमें बहुत ज्यादा पैसा दो गुना तीन गुना दाम पर लेकर खरीदा जा रहा है, लेकिन असल में उसका दाम उतना नहीं है उन सब औजारों का। तो ये कहीं ना कहीं पता चल जाता है किसे, सिद्धार्थ मल्होत्रा को। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा को पता चल जाता है, लेकिन वो इस जांच पड़ताल में इतना आगे तक पहुंच जाता है, तो एक्चुअली वो कहीं ना कहीं चंगुल में फंस जाता है। और वो जो भी प्रॉब्लम में रहता है वो बता नहीं पाता है किसे, विजय को यानी कि मनोज वाजपेयी को। और मनोज वाजपेयी को कहीं ना कहीं लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जो उनके अंडर है वो गद्दार है। तो दोनों अपनी तरह से देश को बचाना चाहते हैं। एक बचाना चाहता है विजय सिद्धार्थ को पकड़ कर और सलाखों के पीछे पहुंचा कर, और जय बचाना चाहता है देश को उन गद्दार से जिनकी मिली भगत से ये जो सामान है या औजार है वो कम दामों पे खरीदा तो जाता है, लेकिन पैसा दो गुना तीन गुना लगाया जाता है और पैसा सब जेब में डाल लेते हैं। तो दो तरह का वॉर है आपस में, और ऊपर से मेन में है गुंडा, यानी कि जो इन सप्लाई करता है और इन मिलिट्री को, वो है कुमुद मिश्रा। कहीं ना कहीं रोल में आपको नजर आ गए होंगे। तो कुमुद मिश्रा बुरा बंदा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने हिसाब से अच्छा है। वो देश को उन गद्दारों से मुक्त कराना चाहता है जो कहीं ना कहीं मिलिट्री को खोखला कर रहे, और विजय को शायद सच्चाई नहीं पता है कि सिद्धार्थ कौन से काम में लगा है। वो चाहता है कि सिद्धार्थ को पकड़े, क्योंकि उसे लगता है सिद्धार्थ कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है और बहुत ही उम्दा ट्रेलर है। और मैं अगर ये आप लोगों को सुबह ही कह रहा था, जब मैंने कहा था कि आज ट्रेलर आने वाला, तभी मैंने कहा था कि अय्यारी का मतलब क्या है, और वापस से कहता हूँ अय्यारी का मतलब इस ट्रेलर में भी एक दो बार लिया गया है, यानी कि जो दूसरे को बेवकूफ बना ले, अलग मुखौटा पहन ले, किसी भी से हाल चाल में ढल जाए। और कहीं ना कहीं इसमें विजय कहते हैं, यानी कि मनोज वाजपेयी हमेशा कहते हैं मैं तुझे पकड़ लूंगा सिद्धार्थ, किधर भी जा तो भाग जा, और सिद्धार्थ कहता है आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे। तो चोर पुलिस वाला या वो चूहे बिल्ले वाला जो गेम होता है, उस तरह का प्रॉपर गेम है। और बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, फिल्म धमाकेदार होने वाली है। नसरुद्दीन शाह का डायलॉग इतना अच्छा लगा कि मेरे दिल में अभी भी है, वो मेरे जहन में अब रहने वाला है कि गरीब आदमी को उंगली नहीं करने का साहब। इसी से ये वीडियो खत्म करता हूँ, और ट्रेलर को मैं 4 रेटिंग जरूर दूंगा 5 में से। बहुत अच्छा ट्रेलर है, और ये बराबर टक्कर देगा फैटमैन मूवी को। बाय बाय।